माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दीन्हो, तय छाड़ परम निधाना। ज्योति दे कि पतंग हुलसे, पशु न पेखे आग। काल फांस नर मुग्ध न चेतव, कनक कामनी लाग। शेख सैयद कितेब निरख, सुमृत शास्त्र विचार। सदगुरु के उपदेश बिन, तय जान के जीव मार। कर विचार विकार परिहरि, तरण तारण सोय। काहे कबीर भगवंत भजनर, दुतिया और न कोय। सदगुरु कबीर की पुस्तक बीजक, ये शब्द विभाग का 60वां शब्द है। माया मोह मोहित कीना, माया के मोह ने तुम्हें मोहित कर दिया। ताते ज्ञान रतन हर लीना, इसलिए ज्ञान रतन खो गया है, उसने छीन लिया। मोह आने पर ज्ञान शून्य हो जाता है। कुसंग त्याग इसीलिए आवश्यक है। कोई ज्ञानी हो, कुसंग करेगा भटक सकता है। कुसंग के आवरण में जब दिमाग में माया मोह आता है तो ज्ञान भूल जाता है, अब आदमी बह जाता है। इसलिए केवल ज्ञान के बल पर आदमी अपनी स्थिति में नहीं रह सकता है। ज्ञान के साथ साधना और कुसंग का त्याग आवश्यक है। वही आदमी एक समय ज्ञानी है, दूसरे समय अज्ञानी बन सकता है, असावधान हुआ तो। इसीलिए ज्ञान को एकरस करने के लिए दृढ़ संकल्प पूर्वक लगना चाहिए। दृढ़ता से जो लगता है, बड़ी तत्परता पूर्वक, वो एड़ी चोटी तक ज्ञान का गोला हो जाता है, उसे भटकना कहीं नहीं। अनिश्चय नहीं है कि ज्ञानी अज्ञानी हो जाएगा। पक्की स्थिति में पहुंचकर फिर भटकाव नहीं। और पक्की स्थिति का लक्षण है कि वो कुसंग न करे, ढील न हो, साधना में शिथिलता न हो। शुद्ध संग से अगर अप्रियता हो गई, गलत संगत से प्रेम बढ़ गया, धन संग्रह का मन हो गया, ज्ञान संग्रह छूट गया, मान बढ़ाई की इच्छा हो गई, तब सब रास्ता बदल जाएगा। परत पर परत जड़ाध्यास मनुष्य के हृदय में है, इसलिए असावधान होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मन को मृतक जान के मत माने विश्वास, साधु तहाँ तक भय करें जहाँ तक पिंजर सांस। इसलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। माया का मोह आते ही ज्ञान का रत्न खो जाता है। वही श्री राम है जो राज्य को तृण के समान छोड़ देते हैं। बात आती है और कोई भी चेष्टा नहीं करते हैं। चेष्टा कर सकते थे, रुक जाते, गुरु वशिष्ठ से कहते, मंत्रियों से कहते, ये क्या हो रहा है मेरे लिए। भरत को बुलाते, कुछ नहीं करते, सोचते हैं तुरंत निकलना है, एकदम निर्मोह। और वही राम सोने के मृग में मोह जाते हैं और कितना भयंकर परिणाम आता है। सीता हरण और महादारुण दुख। स्वर्ण मृग में
मोह हुआ और ज्ञान हर गया। सबके सामने सोने का मृग है। सोने का मृग एक प्रतीक है, आकर्षण सोने का मृग है, अवाकर्षण हमारी बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है, केवल हमारी बेवकूफ़ी है। जिसमें हम आकर्षित होते हैं पीछे पता लगता है झूठ है, बेकार है, घृणित है। आदमी काम विमोहित हो करके जो अत्याचार करता है तुरंत ही उसको खलता है कि मैंने क्या कर डाला। जिसमें सुख की कल्पना थी वो भ्रम था। सुख क्या है? अंग मिलन की चेष्टा, अवंग क्या है? कूड़ा कचड़ा। उसमें उत्तेजना हुई और अपनी ही शक्ति नष्ट हुई और सुख की कल्पना हुई, पूरी की पूरी मूर्खता। स्त्री से सुख कहाँ आया? पुरुष से सुख कहाँ आया? पुरुष ने माना स्त्री से सुख आया, स्त्री ने माना पुरुष से सुख आया, दोनों धोखे में। सुख कुछ नहीं आया, अपनी उत्तेजना हुई और उत्तेजना में वो सुख माना और तुरंत घोर पश्चाताप हुआ, मलिनता हुई और उसी के पीछे सारी दुर्गति। इसी दुर्गति को जो छोड़ दे छुट्टी पा जाए। रहीमन रहीम कवि ने कैसा बढ़िया लिखा, ब्याह नहीं यह व्याधि है, सको तो चलो बचाए, रहीमन बीड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। कितना बढ़िया कथन है। ब्याह नहीं यह व्याधि है, विवाह नहीं है, महारोग है, सको तो चलो बचाए, अगर कर पाओ तो बचा दो, न परो चक्कर। रहीमन बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए, ढोल बजा बजा करके बेड़ी पड़ रही है। तरीका कितना सुंदर है कहने का और कितना यथार्थ है। ये सच है कि इस स्थिति में सब नहीं रह सकते, और विवाह नहीं करेंगे तो समाज खराब हो जाएगा जानवर की तरह। जानवर में तो संयम है, केवल गर्भाधान के लिए संयोग है बस। बैल गाय के साथ चरता है दिन भर, रात भर रहता है, भिखारी नहीं होता है। जब कोई गाय गर्भवती होने की होगी तो वो गर्भाधान करेगा। अब आदमी ऐसा रह सकता है? वो तो घोर पतित बारंबार होगा। इसलिए विवाह उचित है। ये उच्च साधक के लिए कहा गया जो ऐसा कर पावे। बात तो सच है, तो कहना ही पड़ेगा। आखिर एक ही चक्कर में पड़ करके तो सारा दुख हुआ। स्त्री सुख पुरुष सुख, यही स्त्री पुरुष माने। स्त्री ने पुरुष सुख माना और पुरुष ने स्त्री सुख माना और फंस गए, जीवन भर रोना। और इसी सुख को सुख न मानते, झंझट से अलग रहते। मान लो फंस गए, तो फंस गए तो होश में आना चाहिए। एक बार ठगावे बावनबीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे। एक बार ठगा गए अब जान गए तो अब तो बचे। एक बार दो बार नहीं, अनेक बार ठगा गए अब सावधान हो जाओ। माया मोह मोहित कीना। माया ने मोह उत्पन्न करके मोहित कर लिया। माया क्या है? जो रहे कुछ दिखाए कुछ। शरीर टट्टी पेशाब की पोटली है, और कुछ दूसरे ढंग से इसको हम देखते हैं। रमणी अनित्य असुच दुख और अनात्म है। इसमें नित्य सुच सुख और आत्मा का आभास, ये भ्रम है। शरीर आत्मा नहीं है, शरीर सुच नहीं, रमणी नहीं है, शरीर सुख नहीं है, दुख है। शरीर और मन
ये दो ही तो खाई है हमारे लिए, दुख का घर, इसी को झेलना पड़ रहा है रात दिन। इसी शरीर मन से जो उदास हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है, फिर इसका उपयोग उस साधना में करता है, खाने का उपयोग लोभ में नहीं करता है, दवाई की तरह पेट भरने के लिए करता है, ऐसे पूरा उपयोग विवेक पूर्वक करता है। जहाँ सुख मान करके कि वही दुख आया, सुख को पूरा का पूरा छोड़ देने के बाद दुख नहीं रह जाता है। सुख क्या है? ब्रह्म। सच्चा सुख तो सुख छोड़ देना है, जिसको आज तक सुख माने हैं उस सुख को छोड़ देना सच्चा सुख है। माया, भगवान की माया हमें नचाती है, लोग कहते हैं भगवान की माया नचाती है, हमारी माया नचाती है। भगवान मालूम होता बहुत बड़ा खराब आदमी है, जो माया लिए बैठे वो सबको रुला रहा है। एक तरफ भगवान का लोग आदर करते हैं और दूसरी तरफ भगवान को गाली देते हैं। भगवान की माया नचा रही है, भगवान को गाली देना हुआ कि नहीं? अगर कोई हमसे आके कहे महाराज आपने बहुत परेशान किया हमें, तो क्या मतलब हुआ? मुझे उसे गाली दे रहा है वो, मैं परेशान करने वाला आदमी हूँ। और ये अच्छे पंडित और महात्मा कहते व्यास गद्दियों पर बैठ करके, प्रभु माया गरी सी दृत्या। वेदांती ज्ञानी कहते हैं अघटित घटना पटी सी, जो घटना न घटे वो घटा देने वाली, ये सब भ्रम है। किसी परमात्मा की माया हमें दुख नहीं दे रही। परमात्मा तो पवित्र होता है, उसके पास माया होती ही नहीं। स्वामी शंकराचार्य ने आत्मा ही को परमात्मा कहा है, और शुद्ध अवस्था की प्राप्ति ही परमात्मा की उपलब्धि है। और अपने अर्थ भेद शब्द भेद से सब ने यही कहा है। तो भगवान की माया, परमात्मा की माया, ब्रह्म की माया हमें नचा रही है, ये धोखा है। इन लोगों ने पूछा किसी ने कि जगत कैसे बना, तो कहे ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर निर्मल है कैसे बनाया? तो अपनी माया से बनाया। अब माया से तो दुनिया बना दी, अब माया बैठी क्या करे? तो सबको भटकाने के लिए लग गई। ये दुनिया बनाने के चक्कर में माया की कल्पना की गई है, और पीछे से माया ये ज्ञानियों और भक्तों के गले की हड्डी बन गई। माया कुछ है ही नहीं है जिससे दुनिया बनती हो। दुनिया तो द्रव्यों से निरंतर बनती और बिगड़ती है। मैटर है, मिट्टी पानी आग हवा के कण हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस रेडियम इत्यादि के कण हैं। इनसे निर्माण विनाश निरंतर चलता, माया से नहीं। इसलिए कोई माया ऐसी नहीं है जो जीव को भटकाती हो बाहर से। हमारे मन का मोह माया है, सत न समझने से मोह उत्पन्न होता, वही माया बन जाता है। ये चाम की देह पारदृष्टि रख करके हमने नहीं देखी और मोह बन गया, बस भिखारी हो गया। पारदृष्टि से देखें तो ये टट्टी पेशाब की पोटली गंदी चीज, वैराग्य मन में रहेगा फिर माया नहीं होगी, मोह माया बन जाता है। मोह ही विकार है, और मोह हमारे अविवेक का फल है। माया मोह मोहित कीना, ताते ज्ञान रतन हरि लेना। इसलिए ज्ञान रतन खो गया। रावण प्रकांड पंडित था रामायण के अनुसार, वेद विद्यावृत स्नात था, वेद विद्यावृत में स्नात, स्नात का अर्थ है जिसने स्नान कर लिया हो। प्राचीन काल में गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे
और जब वह उनकी विद्या पूरी हो जाए, गुरुकुल में पूरा रहते थे, घर जाने का नियम नहीं था, पढ़ करके जब वे लौटते थे घर, तब जब विद्या में उत्तीर्ण हो गए तो एक संवैधानिक स्नान कराया जाता था, वहाँ का एक संविधान था, एक संस्कार, तो स्नान कराए, एक संस्कार दिए, तो स्नान कर लिए, इसलिए स्नातक हो गए। आजकल स्नातक कहते हैं, लेकिन ये मूल अर्थ जहाँ से चला इसको कुछ ख्याल नहीं है। स्नातक का अर्थ है जिसने स्नान कर लिया हो। लाक्षणिक अर्थ हुआ जो उत्तीर्ण, वेद विद्यावृत स्नातक, वेद विद्यावृत में रावण स्नात था, उत्तीर्ण था, और उसका ज्ञान कहाँ गया? केवल महिमा सुनी सीता की सुंदरता की और पागल हो गए, और सारा विनाश उसका हुआ। राम उसको मारने थोड़े आते, ये तो राक्षस था और ये हो भगवान भार उतारने आए थे, तो पीछे बनाया गया। रावण बहुत भार नहीं था, बहुत भार बाबर था, औरंगजेब था, और महमूद गजनवी था, और कितने ऐसे थे सब तुर्क, और बड़े बड़े थे ऐसे खुखार जिन्होंने लाखों कत्ल कर दिया है, और इसके लिए कुछ नहीं सराया। तो महाकाव्य बना, और पीछे जब भगवान बनाया गया तो महाकाव्य के कई प्रसंग सब बड़े अनुसुहाते लगे, फिर अवतारवाद की कल्पना कर डाली गई, और उसमें नए नए विचारों और नई नई कथाओं की कल्पना कर डाली गई, जो अस्वाभाविक हो गया। तो माया मोह मोहित कीना, माया का मोह मोहित कर देता है, और जब मोहित हुआ तो ज्ञान रतन खो गया। ज्ञान खाली जबान में फिर है, कोई अर्थ नहीं। साहब कहते किसमें तुम मोहते हो, जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। दोबारा कहते हैं, जोर डालने के लिए दोबारा कहते हैं, जीवन एक स्वप्न की तरह है। जब हम आँख बंद करते हैं तो जागृत खो जाता है, और सपने होने लगते हैं, और जब आँखें खुल जाती हैं तो सपने खो जाते हैं, सामने जगत दिखाई देता है। एक में दूसरा नहीं है। इसके लिए कहानी है कि एक राजा सो रहा था, उसने सपना देखा कि मैं भिखार हो गया, भूखा हो गया हूँ, भिखार हूँ, और घूम रहा हूँ भिक्षा के लिए। जहाँ मैं घूम रहा हूँ तराई है पर्वत की, वहाँ कोई संपन्न नहीं बसा है, गरीब गरीब झोपड़ी वाले बसे हैं, तो उनके यहाँ भीख मांगने जाता हूँ तो एक एक चुटकी लोग चावल डाल देते हैं, तो जब कुछ हो जाता है तो पकाता है खिचड़ी, केला का पत्ता फैला करके उस पर खिचड़ी ढालता है। दो भैंसे लड़ते लड़ते आ जाते हैं, वो घबरा जाता है, और इतने में भैंसे टूटे, उस पर खिचड़ी रौंद दिए, और राजा भागा और नींद खुल गई। उसको आश्चर्य हुआ, यहाँ इतना प्रबंध है, मक्खी भी नहीं आ सकती है, ये भैंसे कैसे आ गए? हजारों को खिलाने वाला स्वयं में भूखा कैसे हो गया? सुबह हुआ, स्नान के बाद एक महात्मा के पास गया, महाराज जी वो सच की ये सच? महात्मा ने कहा कि सपने में राज था, कह नहीं था, कह तू, कह मैं था, कि अब जागृत में राज्य है, सपना है, कह नहीं, कह तू, कह मैं हूँ, कह तू, दोनों में सच, सपने में भी सच और जागृत में भी सच।
और सपने में जागृत झूठा, जागृत में सपना झूठा, और दोनों मिलकर के दोनों झूठ, कुछ नहीं रहेगा साथ में। अभी हम लोग बैठे हैं, किसी का शरीर छूट जाए उसको पता लगेगा फिर कहाँ बैठे थे। आज ही से समाप्त मामला। वेद में वेद के ऋषि लिखते हैं, एक आदमी मर गया है तो लिखते हैं, यम ने इसके रात दिन को बराबर कर दिया, न रात का पता है इसे न दिन का पता है, और ये सब के लिए है। उंगली दिखाने लायक नहीं कि उसके लिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए है। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश तीनों तो छाड़ परम निधाना। गुरु ने शब्दों का उपदेश दिया है, ज्ञान शब्दों का उपदेश दिया है, तू परम निधान है। निधान कहते आश्रय स्थल को। ज्ञान विज्ञान का निधान कौन है? लोग कहते ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति है, सारा ज्ञान उसी में है। ये हमारी भावना है, कल्पना है। ईश्वर की कल्पना भी मनुष्य ही करता है। सारे शास्त्रों का रचयिता मनुष्य है, सारे ईश्वरों का रूप गढ़ने वाला मनुष्य है, सारे देवताओं का सृजेता मनुष्य है, सारी परंपराओं और संप्रदायों का निर्माता मनुष्य है, सारे ज्ञान विज्ञान का उद्भावक मनुष्य है। ज्ञान का स्रोत और कहीं है? पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, रत्नों की खान जमीन में है। ज्ञान की खान और स्रोत आपने कहीं नहीं देखा होगा, वो मनुष्य है। अन्य प्राणी भी हैं लेकिन उनमें सामान्य ज्ञान है। मनुष्य ज्ञान विज्ञान निधान है, और वह मनुष्य अपने को भूल रहा है, अपने को तुच्छ कर रहा है। इसीलिए साहब ने कहा, अपने गुण को अवगुण कहो यह अभाग जो तुम न विचरहु। अपने गुण को तुम अवगुण कहते हो, यही दुर्भाग्य है जो तुम विचार नहीं करते हो। हीन भावना से ग्रस्त मत हो, अहंकार भावना छोड़ो और हीन भावना न रखो। मैं दूसरों से ऊंचा हूँ ये अहंकार भावना छोड़ो, और मैं नीचा हूँ ये हीन भावना छोड़ो। न ऊंचा हूँ न नीचा हूँ, सामान्य। विनम्रता के लिए ठीक है कि मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे नीचा हूँ, विनम्रता के लिए ठीक है। लेकिन अगर ये मन में अपने घर कर गई बात तो उल्टा हो गया, और ऐसी बात वर्ण व्यवस्था के कुचक्र ने मनुष्यों के मन में डाला है। अब तो इसे कहने वाले कम मिलते, लेकिन बचपन में मेरा अनुभव है, ऐसे लोग हों जो आवें उनको मैं बैठने कहूँ, नहीं महाराज हम छोट जात के हैं, उस पर हम नहीं बैठ पाए, और मुझे तकलीफ हो, कैसा इनके मन में बैठाया गया है। वो बेचारे मान लिए हैं, भगवान की स्वीकृति है कि तुम नीचे हो। 70% से अधिक जनता को ब्राह्मणों ने कहा है शूद्र है। यही नहीं, जिन्हों आप चमार भंगी कहते वही नहीं, ये पटेल लोग, कुर्मी लोग, यादव लोग, सबको सबका सब ये शूद्र में गिनती है। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बिल्कुल झूठा है, मानो बिल्कुल समान है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आदमी आगे बढ़े। सांवला गोरा कुछ इसमें नहीं रखा है, ये तो चाम का रंग है। रामकृष्ण तो बहुत सांवले थे। तो हीन भावना नुकसानदेह है, अहंकार भावना नुकसानदेह। जैसे आशावान होना चाहिए, आशा त्याग के रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और निराश हो जाना चाहिए, ये दोनों का अलग अलग अर्थ है।
आशावान होना चाहिए, सबको आशावान होना चाहिए। मैं कैसे नहीं उन्नत करूँगा? लोग खेती करते हैं, सफल होते हैं, व्यापार में सफल होते हैं, सर्विस में सफल होते हैं, पढ़ाई में सफल होते हैं, साधना में सफल होते हैं। अगर हम ये काम करेंगे तो कैसे नहीं सफल होंगे? आशावान बने, आशावान बन करके ही आप सफल हो सकते हैं। निराश न बने, रहे हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो ऐसे हैं, बेकार हैं, हमसे नहीं सधेगा, ऐसा निराश मत हो। निराश हो, हमें भोग नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे पास है बहुत है। निराश रहो, इससे आप बलवान होगे, महान होगे। हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं पढ़ लूँगा, इतने बड़े पद पर जाऊँगा, तो कार खरीदूँगा, तो बंगला बनवाऊँगा, और ये करूँगा, वो करूँगा, ये सब तो नरक करने वाला है। हमें कुछ नहीं चाहिए, वर्तमान में जो है वो ठीक है बस। तो निराश हो जाना अच्छा है और निराश न होना अच्छा है, ये दोनों का अलग अलग अर्थ है। उत्साह से निराश हो जाना, अपने उद्देश्य में निराश हो जाना, ये पतन है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये निराशा सुखद है। और मैं योग्य नहीं हूँ, कर नहीं सकूँगा, व्यर्थ हूँ, जीवन दुखमय है, दुख से बच नहीं सकता है, ऐसी निराशा मनुष्य को डुबा देती है। इसलिए आशा निराशा का अपना अपना अलग अर्थ होता है। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश देनो ते छाड़ परम निधाना। परम निधान ज्ञान विज्ञान का आश्रय, ऐ मनुष्य तू परम निधान है। अपने गुण को अवगुण कहो, यह भाग जो तुम न विचारो। अपने गुण को अवगुण कहते हो? कबीर साहब ने आज से 500 वर्ष पूर्व डंका पीटा, ऐ मनुष्यों तुम कोई छोटे नहीं हो, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणिक जाए और राधे कायन आया। ऐसा कौन कहने वाला उस जमाने में, वो काशी में जो ब्राह्मणों की नगरी तब थी, आज भी है, खूब पंडित वहाँ है, गली गली देखो शिव शिव बम बम सुनाई देता है। काशीवास तो मेरा खूब हुआ, 57 से लेके 75 तक महीनों महीनों। आज भी वहाँ पर 4 विश्वविद्यालय हैं और विद्यालयों की और गणना नहीं है, घरों घरों में जो है, और विद्या की नगरी आज भी है। अहंकार ब्राह्मणत्व का, वहाँ पर कबीर कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणिक जाओ राधे कायन आया, और जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाए पेटे कायन सुरत कराया। कौन इसमें भला है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, सब बराबर है। ये बहुत बड़ा बल उन्होंने दिया समाज को, लेकिन उपदेशात्मक था, आदेशात्मक नहीं। अब आदेशात्मक हो गया है, भारत स्वतंत्र होने पर सरकार का आदेश हो गया है कि तुम छोटे बड़े नहीं हो, जिस किसी दिशा में बढ़ो कोई रोक नहीं सकता है। गुरु ने ज्ञान के शब्दों का उपदेश दिया है, तय छाड़ परम निधाना। अज्ञान का परम आश्रय चेतन, तू अपने को तुच्छ क्यों समझता है? तू महान है और सारा मोह छोड़ दे। तेरी महानता मोह छोड़ने में है, वक्तव्य में नहीं है। बहुत पोथी पढ़ ली, इसमें कुछ नहीं है। ज्ञान की सार्थकता है मोह छोड़ देना, ज्ञान की सार्थकता आसक्ति छोड़ देना। जिस पर मैं इस समय चिंतन कर रहा हूँ लिंकन पर और लिख रहा हूँ, वहाँ पर बहुत नेता थे, दिग्गज दिग्गज नेता थे, विद्वान थे, और अनेक नेता ऐसे थे जो गुलाम प्रथा पर कुछ नहीं सोचते थे। गुलाम प्रथा थी उस समय, काले लोगों को गोरे लोग गुलाम बना के रखते थे, उनको बेचते थे, खरीदते थे, गिफ्ट में देते थे मित्रों को।
और काम लेते थे, हट्ठे कट्ठे लंबे चौड़े, उन्हीं की कमाई पर सब गोरे पलते थे और उनको मजबूर करके रखते थे। कोई अगर भाग जाए गुलाम, पकड़ पाए तो बहुत दंड देते थे। एक जज ने निर्णय किया, एक गुलाम भागा हुआ जब आया पकड़ा गया तो जज ने कहा कि गोरों के समान इन कालों को अधिकार नहीं है। जज अब कानून रहा है, वैसे वो निर्णय किया, उसका भी दोष क्या था। ये जमाना था। और लिंकन ने इसका विरोध किया। और नेता रहे हैं, वो कहें कि खैर दास प्रथा रहे तो कोई हर्ज नहीं, न रहे तो कोई हर्ज नहीं, कुर्सी रहनी चाहिए। वो ऐसा बोलते थे जिससे कुर्सी रहे। और लिंकन राजनेता थे ही नहीं, तो मनुष्यता से भरे थे। उन्होंने इनकलाब किया जोर से, पूरी जनता उन पर क्रुद्ध हो गई और एकदम कुछ दिन के लिए तो बेकार हो गए। उनके मित्र ने कहा आप ये क्या कर डाला, राजनेता 10 बार सोच करके मुंह से शब्द निकालता है और तुम ऐसे कह डाले। उन्होंने कहा कि मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं अंदर कुछ रहे और ऊपर से कुछ कहूँ ये संभव नहीं है, जो है वो कहता हूँ। आज जनता नहीं समझ रही, कोई चिंता नहीं, कभी समझेगी। वास्तव में समझी, ईमानदार जो है वो कहना। और लोग लाग लपेट करके कहते थे राजगद्दी मिल जाए, दास प्रथा बनी रहे, उनका क्या नुकसान है, और चला भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, राजगद्दी होनी चाहिए। इस महापुरुष को राजगद्दी भूख नहीं थी, इसने तो आग से खेल करके दास प्रथा को खत्म किया। एक गरीब घर का लड़का राष्ट्रपति हुआ और ख़त्म कर दिया अपने जीवन में और मार डाला गया। मरते तो सब हैं। जब गांधी जी की हत्या हुई, जवाहरलाल ने कहा ऐसा महापुरुष बिस्तर पर लेटे लेटे मर जाए तो क्या मूल्य था। बहुत कड़ी बात जवाहरलाल ने कही, ऐसा महापुरुष बिस्तर पर मर जाता तो क्या मूल्य था, रंग भर गया उसके जीवन। मरना तो सबको है, तो मरने वाले मर गए, ऐसे महापुरुष मरते नहीं। सारा संसार ऐसे महापुरुषों को जपता है। शब्द गुरु उपदेश दिनों ते छाड़ परम निधाना, अज्ञान का परम आश्रय मनुष्य तू महान है। मत पूछो किसी से कोई जात, भूल करके मत पूछो। जितने लोग यहाँ बैठे हो आज ध्यान देना, कहीं कोई मिले तो मत पूछो तुम किस जात के हो भैया, कभी मत पूछना मेरी जात कहाँ है और क्या है। एक पंडित ने कहा महाराज आप भोजन वोजन का ध्यान रखते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल जो ध्यान रखता हूँ, मेरी जात वाला भोजन बना सकता है, दूसरी जात वाला नहीं। जब मैंने परिभाषा की तो हंसने लगी, मेरी जात मनुष्य, मनुष्य मेरी जात का वही भोजन बना सकता है, जो मनुष्य जात का ना हो नहीं बना सकता, वो नहीं छू सकता है। तब कहे आप तब नहीं मानते हैं। हम कहे फिर वही बात, अपनी जात की मानता हूँ, मेरी जात मनुष्य की है। तो परम निधान मनुष्य है, मनुष्य पढ़ करके कौन होगा। गुरु ने उपदेश दिया है तो मोह को छोड़ दे। मोह में जल रहा है, ज्योति देख पतंग हुल से पशु न पेख है आग, काल फांस नर मुग्ध न चेतव कनक कामनी लाग। ज्योत देख करके पतंगे हुलसते हैं, हर्षित होते हैं और एकदम ज्योत के किनारे आकर के भर जाते हैं, ऐट ऐट करके जलते लेकिन हटते नहीं। ये व्यामोह, यही दशा मनुष्य की है। जिससे दुख पाता वही काम करता है, मोह यही बलवान है। शराब पीकर, तंबाकू खाकर, सिगरेट पीकर, बीड़ी पीकर, कलह करके, बैर करके, घृणा करके, ईर्ष्या करके, झगड़ा करके, अहंकार करके, सब समय कष्ट हुआ है।
इसको दोहराए क्यों जाए। किसी ने हमें गाली दी, हमने भी गाली दी, इसमें दुख बढ़ा। अब सावधान हो जाए, कोई गाली दे हम गाली न दें, कोई क्रोध करे हम नम्र हो जाए। ये सुख का रास्ता है, साधना का रास्ता है। जिस रास्ते पर आज तक चलते रहे वो रास्ता छोड़ देना है, नया रास्ता अपनाना है। नया रास्ता अटपटा लगता है। कोई मुझे कुछ कहे, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, ये रूप है। लेकिन असली रूप क्या है, सब के सब मुझे गाली दे, मैं सिर झुका के सहने को तैयार हूँ, ये असली रूप है। और ये रूप साधारण नहीं धारण कर सकता, बहुत बलवान आदमी इसको धारण कर सकता है। जो बहुत बलवान होगा वो ऐसा होगा, उसी का कर्म बंधन कटेगा, वो शीतल होगा और उसके आदर्श से अनेक लोग शीतलता पाएंगे, सीख पाएंगे। सहने वाला ऊंचा होता है, सहने वाला ऊंचा नहीं होता है। गाली देने वाला बड़ा नहीं होता है, गाली सहने वाला बड़ा होता है। सीखो तो, श्रुत करो। लोग कहते हैं महाराज हमें हमारे पीछे पड़ जाएं, हमें घर से निकाल दे तो हम क्या करें। ऐसा कोई नहीं करता है कि किसी कोई घर से निकाल दे। घर में तकरार होता है, उसको सह लो। अपनों में झगड़ा होता है, अपनों में कहा सुनी होती है, उसको सह लो। ऐसा कुछ करो कि स्वयं ऐसा न कहो और कोई कहे तो सह लो, तो उसको भी सीख होगी कि हमें भी सहना चाहिए। ये तो कहते कहते बढ़ जाता है दुख, अहंकारी अहंकारी दुख को बढ़ाते हैं। निर्वाणी सुख को बढ़ाता है। तो ज्योति देख पतंग हुलसे पशु न पेखे आग, काल फांस नर मुग्ध न चेतहु कनक कामनी लाग। ऐ पागल मनुष्य, कनक कामनी में उलझ करके तू आज भी चेत नहीं रहा है। कनक कामनी एक लाक्षणिक शब्द है। कनक का अर्थ है सोना, कामनी का अर्थ है काम वासना में उन्मत्ता स्त्री। इसका लाक्षणिक अर्थ है दुनिया की धन दौलत और दैहिक आकर्षण, स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, जो दैहिक आकर्षण है ये, और संपत्ति का आकर्षण है। इसी में लग करके सब चल रहे हैं। सारा उत्पाद कहाँ होता है, बस दैहिक आकर्षण को लेकर के। बड़े बड़े युद्ध हुए, लंका कांड तो इसी में है। और संपत्ति को लेकर के होता है, ये महाभारत कांड है। संपत्ति को लेकर के महाभारत हुआ और दैहिक आकर्षण को लेकर के लंका कांड हुआ। और कौन कारण है, यही सब कारण है। काल फांस नर मुग्ध न चेतहु कनक कामनी लाग। कनक कामनी में लग करके लोग विमोहित हो जाते हैं और फिर होश में नहीं आते। दैहिक आकर्षण और ऐश्वर्य का आकर्षण। राजनीति में कितनी हत्याएं पहले होती थी, आज भी होती। ऐसे ऐसे नेता हैं कि देश के हजारों लोग मार डाले जाएं और अरबों की संपत्ति फूंक दी जाए, लेकिन उनको गद्दी मिल जाए तो बड़ी बड़े प्रेम से इसको स्वीकार लेंगे। उनको गद्दी की इच्छा। और ऐसे लोग अयोग्य नहीं होते हैं, योग्य होते हैं। योग्य लोग ही ऐसा करते हैं, दृष्टि उनकी गलत है, इसलिए वो ऐसा ढंग अपनाते हैं। शेख सैयद कितेब निरखें सुमृत शास्त्र विचार, सदगुरु के उपदेश बिन तुन जान के जीव मार। शेख सैयद मुसलमानों के बड़े बड़े मौलवी, ये किताब पढ़ते हैं, कुरान हदीस और पुस्तकें। सुमृत शास्त्र विचार, हिंदू पंडित स्मृतियों और शास्त्रों का विचार करते हैं,
लेकिन सदगुरु के उपदेश बिन ते जानकी जीव मार, सच्चे सदगुरु तेरे को नहीं मिले। इसलिए जानते हो कि किसी को पीड़ा देना पाप है, फिर भी बद और कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या करते हो। कौन नहीं जानता है कि किसी को पीड़ा देने से उसको कष्ट होता है, और सबकी किताबों में अहिंसा लिखा है, पीड़ा न देना लिखा है। कुरान की आयतें छाटी जाएं रहम वाली तो एक छोटी छोटी किताब बन जाएगी। ईश्वर निहायत रहम वाला और दयावान है, बारंबार आता है, हर कथन की शुरुआत में ही आता है, ईश्वर निहायत रहम वाला और दयावान है। जो दयावान है, रहम करने वाला है, वो किसी प्राणी को छटपटाते देख करके खुश कैसे होगा? ऐसे ईश्वर कृपालु है, देवता कृपालु है, तो हत्या कैसे पसंद करेगा? साहब कहते जान के जीव मार, तुम जानते हो गलत है, लेकिन तुम्हारे गुरु ने इसे उपदेश दे दिया है, दोनों के मतों में है, ऐसे उपदेश हो आए हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये स्मृत वचन है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, जो वैदिक कर्मकांड के संबंधित हिंसा है वो हिंसा नहीं है। जानवर को काटा गया हवन करने लिए, वो हिंसा नहीं है, वो जानवर तो स्वर्ग में जाता है। बड़े बड़े भुलावे हैं, तो जान के जीव मार। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भजन द्वितिया और न कोई। कर विचार विकार परिहर, विचार करो और विकारों का परित्याग करो। तरण तारण सोए, सदगुरु तरण तारण है। पहले वचन आया सदगुरु के शब्द हैं, उसको समझो, सदगुरु के उपदेश बिना तुम भटक रहे हो, उस सदगुरु ही तरण तारण है। तरण जो तर गया हो, तारण जो दूसरे को तारे, जो तरण है वही तारण होता है। दूसरे के तारने का मतलब है दूसरे को राय दे, उपदेश दे, और उसके दिव्य आचरण का भी प्रभाव तो होने है। रहनी संपन्न संत का जीवन सबसे बड़ा उपदेश है। तरण तारण सदगुरु है, भगवान जो हम कहते हैं। एक भगवान तो मूर्ति के रूप में है, वो बोल नहीं सकता है, कुछ जान नहीं सकता, कुछ उपदेश नहीं कर सकता है। एक भगवान मन का आकार है, वो मूर्ति में तो नहीं है, मन का आकार है, हमारी अवधारणा है, वो भी कुछ बोल नहीं सकता, उपदेश नहीं दे सकता है। तो जिसको पब्लिक भगवान मानती है, वो तो एक मन की कल्पना हुई, वहाँ से बोध होने वाला है। साक्षात भगवान सदगुरु है, जिसने अपने जीवन को पूरा निखारा है और समाज को उसका निर्देश करता है, वो तरण तारण है। अपना तर गया है, दूसरे को तारता है, और इसकी चर्चा सभी लोग करते हैं अपने प्रेरणा से। गोस्वामी जी कहते हैं अनुराग जी निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देह वंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रसते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। जिसे निज रूप का अनुराग है, निज रूप जे अनुराग जगते विलक्षण देखिए, जगत से विलक्षण होता है, वो विकारों से रहित होता है, हर शोक से परे होता है, शोक मोह से पार, और जगत को तारने वाला है वो। त्रैलोक के पावन सो सही, वो त्रैलोक के पावन है, पात्र उससे प्रेरित होकर के अपना कल्याण करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा उपदेश सर्वत्र है। लेकिन उपदेश देने वाले इसमें परेशान हैं, इसमें पड़े हैं, तो जनता को श्रद्धा नहीं होती। और ऐसा व्यक्ति जब देखने में आता है
कि वो कामादिक विकारों से ऊपर है, तब लगता है कि उपदेश का परिणाम भी होता है, तब साधक को बल मिलता है। केवल उपदेश से साधक को बल नहीं मिलता है, जब वो नजीर पाता है, आदर्श पाता है, तब उसके जीवन में प्रेरणा होती है। इसलिए गुरु का व्यक्तित्व अमृत रस भरा हुआ है और उससे रस अपने आप टपकता है। कोई शिष्य अपने आप को खुला पात्र कर ले, गुरु वही है जो निष्काम निर्वाण आत्मस्थ है और उसका पूरा व्यक्तित्व अमृत रस से सरागोर है, और उसे जो टपकेगा अमृत रहेगा। केवल खुला पात्र अपने को कर लो और अपने आप आप में समाहित होता जाएगा। लेकिन खुला पात्र करना यही साधना है। अहंकार है, पर्दे हैं, पर्दे पर पर्दे हैं, ज्ञानी होने पर भी पर्दे हैं, इसलिए लोग भटकते हैं। तो तरण तारण सोए, जो प्रत्यक्ष सद्गुरु है वही तरण और तारण है। तर गया है, तरण तर गया, और तारण दूसरे को तारने वाला है। कहें कबीर भगवंत भजनर, अय मनुष्य ऐसा सद्गुरु भगवान है। संत और गुरु में तो कोई फर्क नहीं है, संत गुरु है, गुरु संत है, दोनों के लक्षण एक हैं। एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फंद, असरण शरण दयाल गुरु साधु सदा सच्छंद। ये रामराज साहब ने पंचग्रंथी में साधु और गुरु की परिभाषा की। एक रूप गुरु साधु का, गुरु और साधु का एक रूप है, और दूजा काल को फंद, गुरु और साधु को छोड़ करके जो उपासना है वो कल्पना का फंदा, कल्पना में उलझे हैं, अवधारणा के ईश्वर की वंदना कर रहे हैं रात दिन, जो सुनने वाला नहीं है, मूर्तियों के सामने रो रहे हैं, वो सुनने वाली नहीं है। तो साहब कहते हैं और सब काल का फंदा है। असरण शरण दयालु गुरु साधु सदा सच्छंद। गुरु और साधु में अगर फर्क है तो इतना है कि सदगुरु असरण को शरण देते हैं और वो निभाते हैं। जो गुरु बनता है उसको जिम्मेदारी होती है, और गुरु बनने का फल भी उसको मिलता है, चाटे मिलते हैं। जो कोई गुरु बनेगा चाटे जरूर मिलेंगे, कोई बच नहीं सकता। गुरु बनने का फल मिलेगा, क्योंकि शिष्य लोग सब समझदार तो नहीं होते हैं, तो धमा चौकड़ी करेंगे, उल्टा पलटा भी करेंगे, लेकिन वो उसको सह करके वो निभाता है, वो क्षुब्ध नहीं होता, वो समझता सब भूले। दोष शिष्य हो जाए गुरु से कैसे हो, गुरु तो पूर्ण है। गुरु क्षुब्ध हो गया तो मतलब क्या हुआ, शिष्य क्षुब्ध हो जाए, गुरु क्षम्य नहीं है। इसलिए गुरुपद बहुत कठिन है। गुरु बनने के झंझट में साधु न पड़े तो अच्छा है, और उतनी हिम्मत हो अपने साध लें तब पढ़े। इसलिए असरण शरण दयालु गुरु, गुरु दयालु होते हैं, असरण को शरण देते हैं, और इसका झंझट उनको सहना पड़ता है जीवन भर। लेकिन साधु सदा सच्छंद, साधु सदैव स्वच्छंद रहते हैं, किसी को चेला बनाने की झंझट नहीं, किसी के साथ रखने की झंझट नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं, बस कह दिया, उपदेश कर दिया, चल दिया। लेकिन दोनों की दशा एक है। तो काहे कबीर भगवंत भजन और द्वितीय और न को, साहब कहते हैं भगवान का भजन करो, ये सदगुरु भगवान है, दूसरा भगवान नहीं है, दूसरा उदाहरणा है। और उस अवधारणा में कोई है, ठीक है, नहीं अभी सदगुरु मिले हैं वही कुछ करता है, अच्छा है, नहीं मूली मूली पत्ता सही, शिवलिंगी पर लोग जल डालते हैं, मैं भी शिवलिंगी पूजता था, मैं शिव उपासक था, प्रथम हमारे इष्ट शिव थे, उसके बाद राम कृष्ण और विष्णु थे, लेकिन असली शिव को जाना तो असली शिव को पा गया,
जो अपने में ही है। इसलिए बाहरी उदाहरणाओं में जो घूमते हैं, भटकते हैं, क्षम्य है वो, उनके ऊपर दया करुणा और प्रेम का बर्ताव करके बन सके तो रास्ता दिखावे, नहीं जो करते हैं करने दे। परंतु सच्चा भगवान सदगुरु है, संत है, ये बोध देते हैं और रक्षा करते हैं, शरण देते हैं, एक एक बात में सावधान करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। गुरु संत न होते हम लोग पता नहीं कहाँ बहते होते। गुरु संतों ने कितनी झंझट उठा करके सब काम किया और वो हमें सहज मिला है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। साहब कहते द्वितीया और न कोय, और कहीं उद्धार का रास्ता नहीं है। सुंदरदास जी ने कहा है कि अगर ईश्वर है, जगत बनाता है, तो जगत में डालेगा, उससे हटो, गुरु की शरण में लगो, वो मुक्त करेगा। क्योंकि ईश्वर जगत बनाता है, इसका ईश्वर का स्वभाव है जगत बनाना। अगर कोई मुक्त भी होगा और सब मुक्त हो जाए तो जगत के लिए मुक्त में से ला करके फिर वो बंधन में डाल देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है बनाना। अगर सब इधर उधर हो गए तो कहाँ वो जगत बनाएगा, सबको ला करके फिर डालेगा। इसलिए भगवान के चक्कर में न पड़ो, गुरु की सेवा करो। सुंदरदास जी ने बहुत मजाक किया है ईश्वर का। तो सच्चा सदगुरु, पूरा साहेब, निष्काम, निर्वाण, कल्याण स्वरूप महात्मा, ये हम लोगों के जीवन के आधार हैं। यही भगवान है, इनको भजो, सेवा करो, भजना नाम सेवा करना, और इनसे यथार्थ ग्रहण करो। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हर लीना। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश दीनो जित छाड़ परम निधाना। ज्योति देख पतंग हुल से पशु न पेख है आग, काल फांस नर मुग्ध न चेतो कनक कामनी लाग। शेख सैयद कितेब निरखें सुमृत शास्त्र विचार, सदुर के उपदेश बिन्त जान के चिवमार। कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोय, कहें कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोय। पूरे में साहब कहते माया मोह छोड़ो, पतंगे की तरह जलो मत, और जिसके लिए तुम जलते हो स्वप्नवत है, कुछ नहीं रखा है, जग जाओ। धर्म के नाम पर किसी की हत्या मत करो, सच्चा गुरु ये नहीं कहता है। गुरु तो तरण तारण होता है, और गुरु ही सच्चा भगवान है, उसकी शरण में लगो और अपना कल्याण करो।